Hi guys, welcome back to the channel Study Time, and now we are going to continue SP chapter number 2 from the sources of borrowed capital. Okay, so the next sources of borrowed capital is commercial banks. Okay, commercial banks bhi hum log ko borrowed capital dene ke liye madad karti hai. There are number of sources of finance. शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम लोग पैसा कलेक्ट कर सकते हैं कंपनी के या फिर बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के लिए. वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं. अमंग दीज कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सोर्स. ओके, मतलब कमर्शियल बैंक्स जो है ये एक प्रीडोमिनेंट सोर्स है ऑफ गेटिंग फाइनेंस. कमर्शियल बैंक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉरपोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया. ये जो कमर्शियल बैंक है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर कॉरपोरेट फाइनेंस इन इंडिया. कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड मॉप अप सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक यूज ऑफ देयर सेविंग्स टू मीट वैरिड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस. तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, जो भी इंडिविजुअल्स पैसा डिपॉजिट करती है, ओके, तो वो कंपनी डिपॉजिटर्स से सेविंग के माध्यम में लेते हैं, और वही पैसा जो उनकी सेविंग्स होती है वो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के रिक्वायरमेंट्स के लिए उन लोग को देती है. कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस. ओके, तो कमर्शियल बैंक्स है ये कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस को असिस्ट करती है, हेल्प करती है. कैसे? बाय ग्रांटिंग देम टर्म लोन्स टू द कंपनीज. तो उन लोग को टर्म लोन्स देती है, मतलब टर्म पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स देती है कंपनीज को. बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं डिबेंचर्स होते हैं उनको सब्सक्राइब कर देते. बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज, या फिर जो कंपनीज की सिक्योरिटीज होती है उनको बाय द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग हेल्प करती है. कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ये जो कमर्शियल बैंक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. अगर किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर को या फिर इंस्टीट्यूट कंपनीज को अगर पैसा चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, तो कमर्शियल बैंक ईजिली उन लोग को शॉर्ट टर्म लोन देती है. दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ओके, तो किसी भी बिजनेस को अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब उनके डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, तो जो कमर्शियल बैंक से वो एक प्राइमरी सोर्स है, एक पहला माध्यम है जहाँ से वो लोग पैसा ले सकते हैं. इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट. ओके, तो इंडिया में अगर आप लोग को फाइनेंसिंग फॉर वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप बैंक क्रेडिट या फिर ट्रेड क्रेडिट से ले सकते हो. ये एक प्राइमरी सोर्स है, दैट इज़ द फर्स्ट सोर्स, बैंक क्रेडिट या फिर ट्रेड क्रेडिट. बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस मैनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशनमेंट ऑफ क्रेडिट. मतलब बैंक ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं जहाँ पे वो क्रेडिट दे सकते हैं. दे आर एज फॉलोज. तो कौन सी इनोवेटिव स्कीम्स बैंक ने इंट्रोड्यूस की है? फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट. ओके, अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. मीन्स अगर कंपनी का अकाउंट है बैंक में, करंट अकाउंट, तो उसको एक फैसिलिटी मिलती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड एज एंड व्हेन नीडेड. तो जो बोरोवर होता है वो जब भी उसको चाहिए तभी वो फंड बोरो कर सकता है, फंड्स ले सकता है. ही इज़ अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय द बैंक. ओके, तो उसको एक परमिशन होती है कि वो ज़्यादा पैसा भी निकाल सकता है उसे करंट अकाउंट में से, जितना कि उसकी क्रेडिट लिमिट है उतना. ओके, मतलब जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बैंक सैंक्शन करके देती है, उतने क्रेडिट लिमिट तक आप ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हो आपके करंट अकाउंट में से. ओके, सो दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. विदिन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड. मतलब जितनी क्रेडिट लिमिट है उस लिमिट से आप लोग कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हो.
रीपेमेंट्स कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मतलब जो रीपेमेंट करना है आपको वो आप जो टाइम पीरियड है उसमें कभी भी कर सकते हो. द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने कितना पैसा निकाला है उस पर डिटरमाइंड होता है. नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड. ओके, तो कैश क्रेडिट ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म है. दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वैसे ही कैश क्रेडिट है. द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिटेड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन. तो उसका जो कैश क्रेडिट है, उसका जो बोरोवर है, वो भी जितनी अमाउंट उसको विड्रॉ करनी है वो विड्रॉ कर सकता है उसके कैश क्रेडिट अकाउंट में से, क्योंकि जितना भी लिमिट उसको दिया है उतने तक. कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लीस्ड और हाइपोथेकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटी. अभी कैश क्रेडिट कैसे दिया जाता है, अगेंस्ट मतलब उनके गुड्स या फिर जो हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में उन लोग को कैश क्रेडिट मिलता है. ओके, मतलब उन लोग को सिक्योरिटीज देनी पड़ती है, अगेंस्ट दैट यू गेट योर कैश क्रेडिट. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन. ओके, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाता है ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर, नॉट द क्रेडिट लिमिट. क्रेडिट लिमिट से जो ज़्यादा अमाउंट हम लोग ने ली है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. द थर्ड टाइप इज कैश लोन. अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट. सो कैश लोन्स में क्या होता है, जो टोटल अमाउंट लोन का होता है उस पर जो बैंक क्रेडिट करती है टू द बोरोवर. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, तो जितना पैसा बाकी है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. द ड्रॉअर ऑफ द बिल दैट इज द सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉई दैट इज द बायर ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट. मतलब जो सेलर होता है वो बायर से पैसा ले सकता है ऑन द ड्यू डेट, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके ड्यू डेट पे या फिर उसके ड्यू डेट के बाद. ना बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपने कुछ लिया और अगर आप इसी टाइम पे पैसा नहीं दे सकते तो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिस डेट पे ड्यू होता है उस टाइम पे आप पैसा ले सकते हैं या फिर उसके बाद में. ओके, क्लियर. ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक. ओके, पर अगर जो ड्रॉवर है उसको उससे पहले पैसा चाहिए, ड्यू डेट से पहले पैसा चाहिए, तो वो बैंक में जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग कर सकता है. कि मतलब बैंक में वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा और बैंक उसको पैसा देगी. दिस इज़ नथिंग बट सेलिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू दी बैंक. मतलब वो ड्रॉवर क्या करेगा, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक को जाके बेच देगा. द बैंक गिव्स मनी टू द ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल. ओके, उसके बाद बैंक क्या करेगा, जितनी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू है उससे थोड़ा कम वो ड्रॉवर को पैसा दे देगा. दिस बिल ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स. ओके, मतलब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, ट्रेड बिल्स. दे आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक एंड कैश इन एडवांस अगेंस्ट देम. तो ये क्या, जो ट्रेड बिल्स होते हैं फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बैंक एक्सेप्ट करती है और उसके बदले में कैश देती है. ओके, नाउ नेक्स्ट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1948 फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशनल डेवलपमेंट इन द कंट्री. तो पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी 1948 में. ओके, क्योंकि हम लोग को कंट्री की डेवलपमेंट करनी थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए थी. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए सो दैट वो जो इंडस्ट्रीज है डेवलप होने वाली उन लोग को फाइनेंस प्रोवाइड कर सके. दीज इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे
ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देते थे. द असिस्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस हैज बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू कंपनीज एज वेल एज गोइंग कंसर्न. ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, जो भी न्यू कंपनीज आ रहे थे और जो भी कंपनीज थे कि उनके लिए, ताकि वो पैसा ले सके, ठीक है, एज अ हेल्प या फिर सपोर्ट के वजह से ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने लगे. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज आर एज फॉलोज. तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए थे बाय द गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे, तो देवर ऑफ फोर टाइप्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. तो ये चार टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे. फर्स्ट वन वॉज डेवलपमेंट बैंक्स, सेकेंड वन वॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड वन वॉज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ वन वॉज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो ये चार तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए थे. फर्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक्स. तो डेवलपमेंट बैंक्स कौन सी थी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI. सो नाउ सी, जो फर्स्ट वाली बैंक थी IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो थी वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी. जो भी डेवलपिंग वर्क था उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये इसका मेजर रोल था. नेक्स्ट वन वॉज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ IFC. इनका रोल था कि जो भी इंडस्ट्रीज है, ओके, उन लोग को अगर उनके क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में अगर पैसा चाहिए, तो दैट वॉज द मेजर रोल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI. ओके, तो अगर ये जो बैंक थी ये क्रेडिट देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट लोन्स रिलेटेड काम करती थी. नेक्स्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, SIDBI, SIDBI. ओके, सो ये जो बैंक थी ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ओके, माइक्रो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे, इन लोग की मदद करने के लिए ये बैंक्स थी. एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI. ये जो बैंक थी, ये जो भी रिकंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे कि रोड्स, डैम्स, इनके लिए अगर पैसा चाहिए तो ये बैंक हेल्प करती थी. ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नाउ रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, RCTC. नेक्स्ट वन वॉज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, TDICI. नेक्स्ट इज टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, TFCI. सो दिस वर द थ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC. ओके, सो दिस थ्री वर द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट इज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDCI. ओके, सो दिस वर द टू स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस. अबव मेंशन्ड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म. ओके, तो ये जो हम लोग ने देखी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये फाइनेंशियल हेल्प करती थी फॉर द फॉलोइंग, दैट इज़ फर्स्ट इज टू प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज. ओके, मतलब जो लोन है टर्म लोन्स देने के लिए, टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, जो कंपनीज के शेयर्स है डिबेंचर्स है उनको सब्सक्राइब करके कंपनीज की हेल्प करती थी. टू अंडरराइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर कंपनीज के अंडरटेकिंग करती थी अंडरराइटिंग वर्क ऑफ सिक्योरिटीज. टू लेंड मनी, या फिर कंपनीज को पैसे देने के लिए. टू ग्रांट टर्म लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी. ओके, तो दिस वर द थिंग्स जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कंपनीज को हेल्प करते थे. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल इज ट्रेड क्रेडिट. ओके, नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट. मतलब किसी भी बिजनेस के लिए क्रेडिट फैसिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है. क्रेडिट इज़ द सोल ऑफ बिजनेस. तो क्रेडिट ये सोल है, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस. ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. तो ट्रेड क्रेडिट जो है वो है एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ओके, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड मटीरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स.
ओके, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये मोस्टली होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिट पे बेचते हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिटर्स. दे सेल टैंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. ओके, डिफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट्स. ओके, that is future payment credit is extended by these business concerns with an intention to increase their sales. तो ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो tangible goods होते हैं मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये जो goods होते हैं ये business concerns को credit basis पे दे देते हैं कि आप अभी goods ले लो, पैसा बाद में दे दो. okay, so ऐसे वो सेल करते हैं अपने goods और इसकी वजह से क्या होता है, उनका sales भी बढ़ता है और जो इनके कस्टमर्स हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं. द बिजनेस फॉर्म एक्सटेंड क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कस्टम दैट हैव बीन बिल्ड अप ओवर टाइम. ओके, तो ये बिजनेस फॉर्म्स को भी लाइक क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लेना अच्छा होता है, क्योंकि अगर उनके पास अभी कैपिटल नहीं है या फिर पैसा नहीं है तो वो क्रेडिट पे गुड्स ले सकते हैं, उनका जो वर्किंग है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है काम, वो कर सकते हैं और उसके जो पैसा आएगा बाद में वो जो सप्लायर उसको पे कर सकते हैं. तो बिजनेस फॉर्म्स के लिए भी ये एक अच्छी बात है. ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट कैश लोन. ओके, ट्रेड क्रेडिट और कैश लोन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. इट रिजल्ट फॉर्म अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सर्विस विच हैज़ टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस. ओके, ये जो ट्रेड क्रेडिट है वो क्या होता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स मतलब क्रेडिट पे गुड्स को बेचना. ओके, या फिर सर्विस को, विच हैज़ टू बी पेड इन फ्यूचर, इसका जो पेमेंट है, जो पैसा देना है वो आप बाद में फ्यूचर में भविष्य में दे सकते हो. ओके, आफ्टर द सेल्स टेक्स प्लेस, ओके, सेल्स हो जाने के बाद में फ्यूचर में आप उसका पैसा दे सकते. इन अदर वर्ड्स, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर्स टू अ कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट. मतलब एक बार आपने गुड्स किसी को बेच दिया, दे दिया, ओके, उसके सब बहुत समय बाद या फिर थोड़े समय बाद अगर कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दिया, दैट इज़ ट्रेड क्रेडिट. ओके, इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस. मतलब ये जो ट्रेड क्रेडिट है उसका अभी बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है. द स्मॉल रिटेलर्स टू लार्ज एक्सटेंट रिलाय ऑन ऑब्टेनिंग ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स. तो अभी जो भी रिटेलर्स है, स्मॉल रिटेलर्स हो चाहे, वो भी क्या करते हैं, सप्लायर से ट्रेड क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं. ओके, कि ये ट्रेड क्रेडिट देगा लाइक दिस. इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो क्रेडिट है इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. ओके, इट इज़ रियली अवेलेबल एट, इट इज़ चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. तो ये रेडिली अवेलेबल होती है और ये बहुत चीप होती है, इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि ये एक वेरी चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है. सप्लायर्स सेल गुड्स एंड विलिंग टू अलाउ 30 days और मोर फॉर द बिल टू बी पेड. तो ये जो सप्लायर्स होते हैं वो अपनी इच्छा से गुड्स को बेचते हैं और 30 days या फिर उससे ज़्यादा का टाइम देते हैं कि वो अपना बिल पे कर सके. They even offer discounts. Thank you guys for watching the video. I hope you like the video. So please press the like button and comment me below for my next videos. Subscribe to my channel and press the bell icon. Meet you in the next video coming up soon. Bye.